यूपी के जनपद औरैया में आरोग्य भारती के जिला संयोजक ने झुग्गी में रहने वाले परिवारों को किया जागरूक। खबर जनपद औरैया के फफून से है, जहां नगर से सटी एक बस्ती में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों को आरोग्य भारती औरैया के जिला संयोजक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने सैनिटाइजर व साबुन आदि सामग्री वितरित कर उन्हें काढ़ा बनाने की विधि भी बताई। इस दौरान उन्होंने झुग्गियों में रह रहे लोगों को कोविड-19 की रोकथाम के बारे में जागरूक कर जरूरी सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा, अगर हमें इस महामारी से अपने आप को और अपने समाज को बचाना है तो सबसे पहले हमें इसके इन्फेक्शन की चेन तोड़नी होगी, सोशल डिस्टेंस के साथ अपने को सुरक्षित रखना होगा तथा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय रसोई में पाए जाने वाले मसालों का पर्याप्त सेवन करना होगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से साफ सफाई का विशेष ख्याल तथा लगातार साबुन से हाथ मुंह धोते रहने को कहा। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क लगाए रखने की अपील की। डॉक्टर साहब, आप किस संस्था से? मैं डॉक्टर राजीव आरोग्य भारती औरैया से हूँ और मैं यहाँ गरीब बस्ती में आया हूँ लोगों को टिप्स देने के लिए। मैंने साबुन भी वितरण कराए हैं, आयुर्वेदिक काढ़े भी वितरण कराए हैं और उनसे जो कहा है कि आप लोग बचाव करके रखिए, इस पर प्रिवेंटिव प्रमोटिव मैनेजमेंट पर ही हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब तक किसका कोई पुख्ता वैक्सीन नहीं आती, कोई इलाज नहीं आता है, अनुसंधान चल रहा है, घर पे रहें, सुझाव दे रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दूरियाँ बनाए रखें, पुलिस प्रशासन के नियमों का पालन करें और इसमें हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, मीडिया, आप सभी लोगों का परस्पर सहयोग है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।